चलिए भाई साहब, जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। सभी प्यारे साथियों को मेरा राम राम, नमस्कार, आदाब, सलाम, जय आदिवासी, जय निवाड़ी, जय बुंदेलखंडी। सभी साथियों को मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। जल्दी से आप सभी का स्वागत है सत्याजी शर्मा क्लासेस में और लाइव क्लासेस में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, कल नेशनल पार्क समाप्त कर दिए थे, स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण। मतलब कि यह कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के संरक्षित क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब मध्य प्रदेश के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। क्या आप रेडी हैं? अगर हां रेडी है तो जल्दी से लिंक को शेयर कीजिए, क्योंकि यहां से जो प्रश्न बनते हैं वो कभी कभी नेशनल पार्क से भी ज्यादा प्रश्न बन जाते हैं। तो याद रखिएगा, वही एक काम आपको करना है और वो एक काम होगा, आप जल्दी से लिंक को शेयर कीजिए। लिंक शेयर कीजिए जल्दी से, वहां पर जहां पर लिंक डालेंगे आप, वहां उससे पहले याद रखिएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात लिख दे कि एमपीजी के लाइव क्लास स्टार्ट। जल्दी भाई डूंगर जी, सुनील, दिनेश, रोहित, आशीष वर्मा, राकेश, गुलकेश बालके, प्रीतम, दिनेश, सुनील, सभी का स्वागत है भाई साहब, सभी का स्वागत है। चलिए भाई साहब, ओके। विकास जी, करें पढ़ना शुरू करें। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण। मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण की बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं। अर्थात ये वन्य जीव अभ्यारण क्या होता है, ये राष्ट्रीय उद्यान से किस प्रकार अलग होते हैं, ये आज हमें बिल्कुल शुरू के 2 मिनट में समझना है। और फिर कौन कौन से अभ्यारण है जहां से आपको फैक्चुअल प्रश्न आएंगे वो हम समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो करंट से अपडेट और बहुत सारी चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। रेडी हो आप सभी? आ जाइए सभी। चलिए भैया, आज तो YouTube पर शेयर के साथ मस्ती कर रहे हैं, 3 दिन से मस्ती कर रहे हैं भाई, नोटिफिकेशन नहीं आता है, नोटिफिकेशन की थोड़ी सी दिक्कत है। चलिए दोस्त मेरे, रेडी हो ना? ओके, आ गए सब? सब आ गए हैं तो जल्दी लिंक शेयर कीजिए, पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने एक ऐसा प्रश्न लेकर आ रहा हूं जो आपने शायद पढ़ा हो, शायद ना पढ़ा हो, पर आप पहले आंसर लगाइए। बताइए, मध्य प्रदेश में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? मध्य प्रदेश में कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, ऑप्शन 1 30, ऑप्शन 2 31, ऑप्शन 3 32, ऑप्शन 4 33। लगाओ, तुक्का लगाओ, कुछ भी लगाओ, 30 31 32 33, 30 31 32 33, कितने हैं, कितने? अरे भाई 11 मत बोलो। मैंने नेशनल पार्क नहीं पूछे हैं, मैंने तो अभ्यारण पूछे हैं जो उनसे पहले बन जाते हैं, अभ्यारणों की संख्या ज्यादा होती है। इसमें से बोलो जल्दी से, आपका तुक्का भी रहेगा, जिसका सही तुक्का पड़ेगा उसको जीवन भर याद भी रहेगा। 30 है 31 है 32 है 33 है, जल्दी बताइए, और फिर कितने हैं वो पढ़ाना मैं शुरू करता हूं। रेडी हो ना? 33 मतलब 77 आ रहा है, अधिकतर लोग 30 को छोड़ रहे हैं, बाकी 31 32 33 को आंसर लगा रहे हैं, 30 भी आ रहा है। ओके, हम आपके तुक्कों का सम्मान करते हैं, आपके तुक्के बिल्कुल काबिले तारीफ है और ऐसे तुक्के लगते रहना चाहिए जीवन में, ठीक है ना। चलिए भाई, बहुत बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मैं फिर से कह रहा हूं कि मुझे पढ़ाने में तब तक मजा नहीं आएगा जब तक कि स्टूडेंट नहीं आएंगे, इस कारण से जल्दी से लिंक शेयर कीजिए, और जो आपके साथी लोग हैं जो सोचते हैं कि मां साहब लेट आएंगे उन्हें बुला लीजिए जल्दी से भाई साहब, है ना। चलिएगा, चलिए भाई साहब, ओके। अब जो नए विद्यार्थी आए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप में से जो लोग हैं जो भूल गए हैं, जैसे कि 650 से ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं, 450 लाइक हैं, तो प्लीज भाई मेरे वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं। अच्छा, रही बात आपके तुक्के की, तो आपका तुक्का उन लोगों का सबका सही तुक्का पड़ा है जिन लोगों ने आंसर तीसरा अर्थात 32 लगाया है। मध्य प्रदेश में
अभ्यारणों की संख्या एक और बढ़ाकर 32 कर दी गई है। तो हाल ही की तारीख में याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में अभ्यारणों की संख्या 32 है, ना कि 31 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी तरह से नेशनल पार्क के संबंध में आपको नेशनल पार्क 11 पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन नेशनल पार्क मैंने 12 पढ़ाए हैं, आपको याद रखिएगा। देखिएगा, मैंने स्थापना आपको पढ़ाई थी, मैंने आपको पालपुर कोनों की स्थापना पढ़ाई थी 28 दिसंबर 2018, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये 28 दिसंबर से 14 दिन पहले ही, अर्थात 14 दिसंबर 2018 को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया था कि पालपुर कुनो मध्य प्रदेश का बार बार राष्ट्रीय उद्यान होगा। रेडियो आप सभी ठीक है ना? कोई बात नहीं, तुक्का ही था, गलत हो गया ना, कोई बात नहीं। अरे भाई साहब जो कह रहे हैं ना, नहीं सर 31 है, मैं वही कह रहा हूं आपसे, ये प्रश्न पूछने काबिल नहीं था, 31 है, 32 हो चुके हैं, इस बात का ध्यान रखो आप, ठीक है ना? अगर 32 नहीं होते तो मैं पढ़ाता भी नहीं, इसलिए आप ये कह नहीं सकते हो कि सर 31 ही है, 32 हो गए भाई। किसी बच्चे ने कहा नहीं सर 31 है, नहीं है। राम राम सर, राम कपाल प्रजापति टीकमगढ़ से, राम राम भाई, राम प्रजापति जी। एक ही क्या बोल रहे हैं, एक ही वर्ष में एक से अधिक क्यों नहीं हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? आज पता चलेगा कैलाश जी ऑफलाइन क्लासेस के बारे में। रेडियो चलो आगे बढ़ो। देखिएगा भाई साहब, यहां से प्रश्न निकालिए, यहां से प्रश्न निकालिए, महत्वपूर्ण प्रश्न निकालते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है, परिभाषा क्या होती है, ध्यान से सुनना समझना, जितने प्रश्न आए उत्तर लगाकर आगे बढ़ना रे दोस्त मेरे। बोलो हाँ हाँ, बोलो हाँ, ठीक 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 ठीक। थामा रे दादा थामा, अब इधर देखो, अब इधर, अरे सब पढ़ाऊंगा, 32 के 32 तो नहीं पढ़ाऊंगा, ये मुझे भी पता है, लेकिन कम से कम 20 से 25 तो पढ़ाऊंगा, जो सबसे काम के जो पूछे जाते हैं और जो छूट जाएंगे 5-7, उनका ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, तो कम से कम ये तो पढ़ाऊंगा कि वो अभ्यारण कहां पर है और 32वां कौन सा बना, वो भी पढ़ाऊंगा करंट अफेयर्स के साथ। शांति रख मेरे बबुआ। चलो आओ जरा झटके से देखो इधर क्या लिखा हुआ है। वन्य जीव अभ्यारण, वन्य जीव अभ्यारण का मतलब होता है, WLC बोलता हूं इसे मैं, इसे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वन्य जीव अभ्यारण का गठन कैसे होता है, आपने प्रश्न पूछा था सर अभ्यारण में और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर बताइए। सुनिएगा, वन्यजीव अभ्यारण का गठन एक विशेष प्रजाति अथवा या तो कोई एक विशेष प्रजाति अथवा या तो फिर कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए, या तो कोई एक विशेष प्रजाति जैसे कि घड़ियाल, सोन घड़ियाल संरक्षण अभ्यारण, समझ में आ रहा ना, केन घड़ियाल संरक्षण अभ्यारण, खरमोर पक्षी संरक्षण अभ्यारण, तो या तो कोई एक विशेष प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है, किसका गठन, वन्य जीव अभ्यारण का। अब सुनो, यह IUCN, IUCN को कौन बोलेगा कि हमें नहीं पता है, बताओ IUCN का मतलब कौन नहीं जानेगा? मैं बताता हूं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन, यह IUCN की हमने बात की थी। IUCN की दो कैटेगरी मैंने बताई थी, IUCN की कैटेगरी नंबर 2 और IUCN की कैटेगरी नंबर 4, इन दोनों के बारे में चर्चा की थी। तो मैंने कहा था IUCN की कैटेगरी नंबर 2 में नेशनल पार्क संरक्षित होते हैं और ISU कैटेगरी 4 में आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी संरक्षित होते हैं। अब आप सुनिएगा, आपको जिन लोगों को नहीं पता है कि IUCN वगैरह क्या पढ़ा रहे हो सर, तो आपको मेरा सबसे पहला लेक्चर देखना होगा नेशनल पार्क का, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो वन्य जीव अभ्यारण या तो एक कोई विशेष प्रजाति, जैसे कि कहीं पर खरमोर होता है तो कहीं पर घड़ियाल होता है तो कहीं पर जंगली गेंडा होता है तो कहीं पर भैंसे का संरक्षण होता है, या फिर विशिष्ट प्रजातियों का, जैसे कि कोई रेप्टाइल पार्क में पूरी रेप्टाइल रेंगने वाली प्रजाति का संरक्षण होता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि ऐसा संरक्षित क्षेत्र, सुनना भाई, कैसा क्षेत्र अभ्यारण, कैसा क्षेत्र अभ्यारण हो सकता है वो बता रहा हूं, ऐसा संरक्षित क्षेत्र जहां विशेष उपबंध, उपबंध मतलब होता है शर्त, या विशेष अनुमति, अनुमति का मतलब होता है इजाजत, या तो विशेष शर्तों के साथ एग्री हो जाओ या विशेष जो होती है अनुमति, अर्थात कि उनकी मदद लेकर या उनसे परमिशन लेकर के साथ, सीमित संसाधनों के दोहन, यहां दोहन शब्द का मतलब जलाना नहीं, दोहन का मतलब उपयोग करना है, समझ में आ रहा ना, मतलब क्या कह रहा है, सीमित संसाधनों के दोहन, कौमा क्षेत्र में प्रवेश करने, फिर क्षेत्र में निवास करने, पशुओं को चारा खिलाने के लिए, चराने के लिए, पशुओं को चारा चराने के लिए, साथ में चारा कटाई के लिए, तथा आवाजाही की
सुविधा दी जा सकती है। मतलब कि ऐसा जंगली क्षेत्र जहां पर अनुमति के बिना नहीं, अनुमति के साथ कुछ उपबंध अर्थात उनकी शर्तों को मानकर आपको कुछ सुविधाएं दी जाती है जो आप कर सकते हो। क्या क्या? क्या सीमित संसाधनों के दोहन, मतलब सीमित तौर पर लकड़ियों को बीनना, जलाओ लकड़ियों को बीनना, कोई सूखे पेड़ को काट लेना, क्षेत्र में प्रवेश आप अंदर जा सकते हो, घूम सकते हो, निवास क्षेत्र के आसपास आप कुटिया बनाकर आदिवासी क्षेत्र में रह सकते हो, पशुचारण आप कुछ अलग से छटे हुए क्षेत्र को आप पशुओं को चारा चरा सकते हो, चारा कटाई आप घास काट कर भी ला सकते हो, तथा आवाजाही मतलब कि अगर आपको उस मार्ग से उस जंगली क्षेत्र से जाने से 5-10 किलोमीटर का रास्ते का फर्क पड़ रहा है तो आप जा सकते हो पगडंडी बनाकर। ऐसी सुविधा जहां पर विशेष अनुबंधों के साथ मिल जाए वो जंगल क्षेत्र संरक्षित अर्थात कि वन्य जीव अभ्यारण होता है और उसके अंदर जीवों का संरक्षण किया जाता है। अब यहां पर देखिएगा, वर्तमान में मध्य प्रदेश में 32 वन्य जीव अभ्यारण है, 32 वन्य जीव अभ्यारण है जो संख्या में देश में सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश की तीन खासियत सुनिएगा मेरे दोस्त, पूरे भारत में मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा जंगलों में पहला स्थान है, प्रतिशत में नहीं है क्योंकि क्षेत्रफल ही बड़ा है। पूरे भारत में मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा स्थान है और पूरे भारत में सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी मध्य प्रदेश में। लेकिन एक प्रश्न और लिखा है मैंने, मैंने लिखा है वन्य जीव अभ्यारण अर्थात वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के घनत्व में अर्थात वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डेंसिटी में प्रथम स्थान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। यह क्या चिड़िया हुई भाई साहब, जे का बोल दो मां साहब आपने। मैं ये कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है क्षेत्रफल में, इतना बड़ा है और उसमें 32 वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 32 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से तो यह संख्या में तो ज्यादा है। लेकिन क्या है, अंडमान निकोबार जो है वो छोटा सा है, अंडमान निकोबार छोटा सा है तो इसमें जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से उसका क्षेत्रफल इतना इतना घना जंगल हो जाता है वन्य जीव अभ्यारण्य अभ्यारण्य का, ऐसा जंगल जिसमें वन्य जीव रहते हैं उनका अभ्यारण है ऐसा जंगल तो वह सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार में है। तो इसके क्षेत्रफल का आधे से अधिक क्षेत्रफल ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जंगलों में ही जाता है, इस कारण से प्रतिशत में ये सबसे आगे है। समझ में आ रहा है, घनत्व में, घनत्व में, घनत्व मतलब डेंसिटी, इस तरह से बात कर रहा हूं, ठीक है ना? ओके, राम राम अनिल भाई, भैरू सिंह डोडबे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गंगाराम जी, हरिओम राजपूत, प्रतिशत में मिजोरम लेकिन उदाहरण की बात करें तो फिर प्रतिशत की नहीं घनत्व की बात कर रहे हैं ना। परफेक्शन एकेडमी का दीवाना राधे सिंह, बहुत बढ़िया भाई, थामा रे सर थामा, जय हिंद अनुराधा दांगी। सर वन्य जीव अभ्यारण क्या होता है? ओ ये वन्य जीव अभ्यारण ही चल रहा है, ये वन्य जीव अभ्यारण ही चल रहा है, ये कोई फिल्म नहीं चल रही है अजय देवगन की, ये वन्य जीव अभ्यारण ही बताया बेटा, इस स्लाइड में जो भी लिखा है वो वन्य जीव अभ्यारण ही है। ये क्या लिखा हुआ है इतनी बड़ी लाइन में, इसको कहां लेके जाऊं चबूतरे को मैं, ये इतनी बड़ी लाइन में क्या लिखा है बेटा, इसे ठीक से पढ़ो तो, एक बार पुनः पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। वन्य जीव अभ्यारण का गठन एक विशेष प्रजाति या अन्य विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है जिसका संरक्षण IUCN अर्थात इंटरनेशनल जो संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। अब आपका प्रश्न फिर से आया कि सर ये क्या है, तो फिर से बोल देता हूं बेटा, ऐसा जंगली क्षेत्र जहां आप उन लोगों की इजाजत से, उन लोगों के विशेष अनुबंध जिसे कहते हैं नियमावली के आधार पर आ जा सकते हो, घूम सकते हो, कुछ विशेष अनुमति के साथ में सूखे पेड़ों की लकड़ियां जलाने के लिए काट सकते हो, घास काट सकते हो, मवेशियों को चारा चराने के लिए ले जा सकते हो, आसपास निवास कर सकते हो, ऐसी सुविधाएं आपको मिल जाती है। लेकिन अगर इससे अलग नेशनल पार्क की बात करो, एक भी सुविधा नहीं है, सबसे कड़े और कठोर नियम लागू होते हैं। इसमें भारत की बात करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 याद होगा आपको, 1972 मैंने क्या कहा था, जब हालत होगी जीव की बद से बदतर तब होगा वर्ष 1972, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अभ्यारण को इन विशेष शर्तों के साथ में चलाया जाता है। अब आपको मैं बता दूं नेशनल पार्क में ये जो भी सुविधा लिखी है, दोहन करना संसाधनों का, निवास करना, पशु चारण, चारा काटना, आवाजाही, ये कुछ नहीं होता है नेशनल पार्क में, कड़ी कार्रवाई होती है, इसमें इतना नहीं होता है, समझ में आ रहा है, वो आरक्षित होता है, ये संरक्षित होता है।
आरक्षित का मतलब आप जानो, रिजर्वेशन, रिजर्व होता है, समझ में आना। अभी जो रिजर्वेशन है, रिजर्व है, आप समझते हो, जिससे रिजर्वेशन मिलता है उसे क्या होता है, बिल्कुल उसके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, समझ रहे हो ना, अपने रिजर्वेशन के कोटे से आप समझो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। सर जी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी थोड़ी, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे, मैं अपना एक मोबाइल भी चलाता हूं, मैं उसमें सुन लेता हूं ना। ओके चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए। लिया स्क्रीनशॉट आप सभी ने, चलो भाई साहब, दादा दादा ये टारगेट फेल हो रहा है अपना, टारगेट फेल हो रहा है, टारगेट फेल नहीं होना चाहिए। आज मेरा टारगेट मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं आपको क्लियर कह देता हूं, 695 लाइक है, 695 लाइक है, 695 लाइक है, इसे मैं 1.7 के, सॉरी 1.6 के, अर्थात 1600 लाइक पर ले जाना है इस वीडियो को, 1600 लाइक पर ले जाकर फेंकना है, 1600 लाइक पर ले जाकर फेंकना है। और वो काम एक ही आदमी कर सकता है, वो है आप। अपने अपनी बात कर रहा हूं मैं, आपकी बात कर रहा हूं मैं। और अभी तो बच्चे आए ही नहीं है, जल्दी लाने दो, जल्दी लाने दो, मैं इतनी महत्वपूर्ण चीज, शानदार चीज ऐसे ही नहीं पढ़ा के निकल जाऊंगा, आपको आपको पढ़ना होगा। जल्दी से लाइक मारिए भाई, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रश्न। देखिएगा ये नोरा देही अभ्यारण, अभ्यारण क्या होता है ये मैंने बताया, अब मैं शुरू करता हूं एक एक से अभ्यारण को पढ़ाना। रेडियो ना, एक एक से अभ्यारण को पढ़ाना शुरू करते हैं। कितने स्लाइड हो गई शाहरुख मंसूरी बेटा, एक स्लाइड हुई है शाहरुख, एक स्लाइड हुई है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, एक स्लाइड खत्म हुई है जिसमें इंट्रोडक्शन दिया है। सोनिया धाकड़ स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अर्जुन, अर्जुन जी कह रहे हैं आई एम ग्रेट फैन ऑफ यू, धन्यवाद अर्जुन भाई। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर आ जाओ। नोरा देही अभ्यारण कहां पर है, सागर में। अब यहां से क्या प्रश्न हो सकता है वो देखो। चलो आओ ये देखिएगा, ये एक सुंदर सा दृश्य, ये हमने काट पीट के बनाकर आपके सामने रखा है। देखिएगा ये सनसेट पॉइंट वाला एक व्यू है नोरा देही अभ्यारण। इस तस्वीर के साथ शुरू करते हैं हम मध्य प्रदेश के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, अर्थात दो दो प्रश्न इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। सबसे पहला, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क उसे कहते हैं के अर्थात काना किसली, बोलो हाँ। लेकिन अभी नेशनल पार्क की बात तो नहीं हो रही यहां पर, तो WLC की बात हो रही, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, तो फिर क्या कहेंगे, नोरा देही। कौन सा होगा, नोरा देही कहां पर होगा, सागर में, बोलो हाँ, पल्ले पड़ रही ना। जब आप वन्य जीव अभ्यारण सबसे बड़ा पढ़ रहे हो तो आपको सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी याद रखना है। मैं तो अकेला कर देता इतनी लाइक पर, हो नहीं रहा, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है ना। चलिएगा, नेशनल पार्क सबसे बड़ा काना किसली है, और अपनो सागर बुंदेलखंड वालों सागर, हाँ बुंदेलखंड वालों सागर, प्रदेश क्या, ठीक है। नेक्स्ट पर आइएगा, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। यहां से प्रश्न निकालिए, महत्वपूर्ण प्रश्न देखिएगा। सबसे पहला जिला सागर, कौन सा सागर, सागर जिला लगता है जिसे मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जिसे मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश के हृदय की संज्ञा दी गई इसे, मध्य प्रदेश का हृदय कहा जाता है, और इसे मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, इसे मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि 2016 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न कि सागर में जो सागर बना हुआ है, सागर जिले में, सागर के मुख्य शहर में जो तालाब सुंदर सा भोपाल तालाब की तरह, उसका नाम क्या है, जिस तरह से भोपाल के तालाब का नाम है राजा भोज झील, या राजा भोज झील जिसे कह सकते हैं भोजताल, उसी तरह से पूछा जाता है सागर में जो बनाया गया तालाब है उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा लाखा बंजारा झील, समझ में आ रहा ना, लाखा बंजारा झील याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको पिछले वर्षों के प्रश्न से अवगत करा रहा हूं मैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। साउंड प्रॉब्लम, अभिषेक को बुलाओ, ठीक है ना। जगदीश मेवाड़ा जी बहुत बहुत धन्यवाद,
हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी भी है। हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की बात करें तो हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय याद रखिएगा, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का पहला, 1946 में मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बनाया गया था। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का वो विश्वविद्यालय है जिसके अंदर सबसे ज्यादा कॉलेज आते हैं, सबसे ज्यादा कॉलेज आते हैं। तीन प्रश्न सुनिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कॉलेज किस यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, तो उत्तर होगा हरि सिंह गौर के अंदर। दूसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी किस शहर में है, यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा किस शहर में है, तो होगा भोपाल में है। कहां पर है, भोपाल में। तीसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कॉलेज अर्थात महाविद्यालय कहां है, तो उत्तर होगा इंदौर। पल्ले पड़ रही हो तो आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा, किस यूनिवर्सिटी के अंदर, देखो पहले विश्वविद्यालय होता है, विश्वविद्यालय के अंदर महाविद्यालय होते हैं मतलब कॉलेज होते हैं, तो हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के अंदर सर्वाधिक कॉलेज है, सर्वाधिक यूनिवर्सिटी भोपाल में है, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर जो आते हैं महाविद्यालय कॉलेज वो इंदौर में आते हैं, ठीक है ना। तो तीनों के अलग अलग उत्तर है। रेडी हो ना, पल्ले पड़ रही है कुछ बात, चलिएगा अब आगे देखते हैं। यहां देखिएगा 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1975। अब आप बहुत सारे लोगों को डाउट हो सकता है कि सर 1194 वर्ग किलोमीटर या 1197 वर्ग किलोमीटर, भाई साहब 1197 पॉइंट में कुछ और है, ओवरऑल इसका 1197 वर्ग किलोमीटर है जो कि ज्यादा मान्य है, ठीक है ना। तो ये इसका क्षेत्रफल है। आगे देखते हैं, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ऐसे पॉइंट सबसे सरल होते हैं, सबसे खास होते हैं और सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। यहां से मैं इसे रफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे अभी इधर जगह चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं आप ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क अगर बात करूं, तो वो होगा कौन सा, के अर्थात काना किसली में, ठीक है ना। वो कौन सा होगा, काना किसली होगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े, हाँ उसका 940 है, उसका 940 है, राला मंडल है, डॉक्टर मालविया जी कह रहे हैं, डीके मालविया जी कह रहे हैं, आगे पढ़ते हैं, राला मंडल इसके बाद में है ना, ठीक है ना, ओके। ओके ठीक है, ऐसा कर लेते हैं ना, ओके। अब आए आवाज में दिक्कत तो बताइएगा, देखिएगा नेक्स्ट पर आइएगा। वर्ष 2018 से आवाज की थोड़ी सी दिक्कत है, सुनना अगर आप आवाज की दिक्कत आए तो, वर्ष 2018 से नोरा देही मतलब ये सागर में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से बाघ लाकर पुनर्वासित करने की योजना चल रही है। दो साल हो गए इस योजना को कि कान्हा किसली से हम बाघ लाएंगे और लाकर हम सागर के नोरा देही में पुनर्वासित करेंगे। ये योजना चलाई जा रही है कहां पर, नोरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए। बोलो हां, पल्ले पड़ रही ना। आगे देखते हैं, नोरादेही अभ्यारण्य जैव विविधता जिसे कहते हैं बायोडायवर्सिटी जो होती है, जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध है। इसका क्षेत्र सागर के, सुनना, सागर के अतिरिक्त दमोह, नरसिंहपुर आदि जिलों के क्षेत्र में भी विस्तृत है। मैं फिर से कह रहा हूं आपको, दमोह और नरसिंहपुर जो होता है इस अभ्यारण क्षेत्र के अर्थात सागर के पड़ोसी जिले हैं। सागर के पड़ोसी जिले होने के साथ साथ में अभ्यारण का जो मैंने 1197 वर्ग किलोमीटर बताया है, इसके अलावा जो जंगल जैसे कि सतपुड़ा का क्षेत्र, सतपुड़ा नेशनल पार्क के अलावा भी सतपुड़ा में जंगल होंगे, हां होंगे, तो सतपुड़ा के जंगल तो सिर्फ होशंगाबाद में तो होंगे नहीं होंगे, वो तो आगे भी दूसरे जिलों में होंगे। ठीक उसी तरह से इसका अतिरिक्त क्षेत्र जो होता है दमोह और नरसिंहपुर जिले को भी छूता है। तो याद रखिएगा यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि रातापानी, आप कहोगे सर रातापानी रायसेन में है, पर मैं कहूंगा रातापानी जब बना था तो रायसेन सीहोर दोनों क्षेत्र में था, तो रायसेन भी आता है, सीहोर भी आता है और भोपाल का क्षेत्र भी आता है। तो ये चीजें आपको पढ़नी होंगी, समझना होगा। अरे नेशनल पार्क बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है? बन सकता है, नेशनल पार्क तो बन सकता है और सबसे पहले इसे ही बनाना चाहिए। अर्जुन चौहान लेट हो गए, चलिए मेरे दोस्त सभी से आपसे एक निवेदन है फिर से कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको, आप सभी को पता है कि आप लोग जब वीडियो लाइक करते हैं, आप लोग जब अच्छी सराहना करते हैं, आप लोग हमें लाइक देते हैं, तो इसका मतलब सीधा सा होता है हमें पढ़ाने में और आनंद आता है और अच्छे से पढ़ाते हैं। नए विद्यार्थियों को बता दूं, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान MP GK में ये पूरी सीरीज हम कई समय से चला रहे हैं,
जिलेवार सीरीज भी मैं चला रहा हूं, वो जिलेवार सीरीज अभी जल्दी कंटिन्यू करने वाला हूं, स्पोर्ट्स को बंद करके शाम को स्पोर्ट्स खत्म करके। फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटल, आप जिस भी परीक्षा के लिए पढ़ना चाहते हैं एमपीजी के टोटल पढ़िए, बहुत डीपली पढ़ा रहा हूं मैं। नेशनल पार्क पढ़ा चुका हूं, नेशनल पार्क मैंने पढ़ा दिए हैं, अब मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अर्थात अभ्यारण पढ़ा रहा हूं। तो 12 राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाने के बाद में अब पढ़ाऊंगा मैं आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। रेडी है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए भाई जल्दी। 5 बार लाइक कर दिया पंकेश, हाँ चलेगा। मोनिका परियार कह रहे हैं कभी आए आप दमो। अच्छा मोनिका जी, आप तो अनब्लॉक हो गए हैं ना, बहुत बढ़िया, आपके नाम से बहुत कमेंट्स आ रहे थे इस कारण से। पुनर्वासित मतलब क्या होता है आशादीप? पुनर्वासित का आशादीप अगर आप संधि विक्षेद करोगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा। साइड हो गया, परफेक्ट एकेडमी भाई साहब। पुनर्वासित का मतलब यह शब्द लिखा हुआ देखिएगा, ठीक है ना। पुनर्वासित में पुनः शब्द आता है, पुनः का मतलब दोबारा से, दोबारा से। वासित का मतलब होता है उनको वास करने अर्थात निवास करने की व्यवस्था की जाए, मतलब ये कहीं ना कहीं तो रह रहे हैं पहले से, अभी इन्हें दूसरी जगह लाना होगा। तो देखिए आशादीप आपका कमेंट से है कि नोरा देही में काना से, तो ये काना में पहले से रह रहे हैं, मतलब कि पहले से तो वास कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। पुनर्वासित मतलब इन्हें पुनः निवास करने के लिए दूसरे स्थान देना, तो ये पुनर्वासित। पुनर्वासित का मतलब होता है ये पहले से अन्य किसी स्थान पर है, इन्हें पुनः किसी दूसरी जगह पर लेकर जाना है। बोलो पल्ले पड़ रही ना, ओके ठीक है, ठीक है भाई साहब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट पर आइएगा, नेक्स्ट पर आइएगा, यहां से प्रश्न देखिएगा। नोरादेही अभ्यारण में डीजल या पेट्रोल से चलने वाली किसी भी वाहन को, किसी भी वाहन को जो पेट्रोल डीजल चलता है, बाइक हो कार हो, प्रवेश की अनुमति है अगर वह 5 वर्ष से अधिक पुराना ना हो। मतलब कि पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए नोरादेही वन्य जीव अभ्यारण में यह शर्त का पालन करना होगा कि यदि आप जिस वाहन से जा रहे हैं या वहां पर भी आपको जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की सैर करवाता है, सफारी करवाता है, वो वाहन पेट्रोल डीजल से चलने वाला वाहन 5 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसे प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ऐसा नियम कहां पर है तो याद रखिएगा, नोरादेही अभ्यारण सागर में है। समझ में आ रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आवाज काहे कट जाती है दादा, ऐसे नहीं कटेगी आवाज, टेंशन ना लो आप, अब आवाज नहीं कटेगी शायद। ओके देखिएगा, नोरादेही में वन्य जीवों की भरमार है, यह तो सीधी सी बात है क्योंकि एक नेशनल पार्क का एरिया नहीं जितना इसका भरमार है, जिसमें तेंदुआ मुख्य जीव है। सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? तेंदुआ। तेंदुआ मुख्य जीव ज्यादा मिलेगा का मतलब यह है कि जिसका संरक्षण मुख्य तौर पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य जंगली पक्षी तथा गिद्धों की 3 नई प्रजातियां भी देखी जा सकती है। मतलब कि गिद्धों की तीन नई प्रजातियां यहां पर संरक्षित की जा रही है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, यहां पर आपको गिद्ध के संदर्भ में और महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। नोरादेही अभ्यारण में अफ्रीकी चीते को पुनर्वासित करने की योजना प्रस्तावित है। मतलब कि यह प्रश्न पर फोकस करो कि कल को यह प्रश्न आ जाए कि बताओ मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय अभ्यारण में, मतलब कि नेशनल जो है वन्य जीव अभ्यारण में, अफ्रीकी चीते को पुनर्वासित करने की योजना चल रही है। विकल्प नंबर 1 होगा आपका गंगऊ अभ्यारण, विकल्प नंबर 2 होगा आपका रातापानी, विकल्प नंबर 3 होगा आपका, कुछ भी पूछ सकता है वो आपको दे सकता है, राला मंडल, और विकल्प नंबर 4 होगा आपका नोरादेही। तब उत्तर क्या दोगे? नोरादेही आपका उत्तर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये प्रश्न लगते आसान है पर इतने भी आसान नहीं है कि एकदम अजावर आप बना के फेंक दो, ठीक है ना भाई। हाँ हाँ हाँ, ड्रीम यूपीएससी बिल्कुल, मैं पढ़ा रहा हूं सब, है ना, सब पढ़ा रहा हूं। आगे देखेंगे, नोरादेही अभ्यारण में राधा नामक एक मादा बाघ तथा किशन नामक एक नर बाघ प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। कुछ वर्षों पहले लगभग 2016-17 में एक मादा बाघिन बाघ जिसका नाम है राधा, देखो आपने सीता पढ़ा, मोहिनी पढ़ा, चार्जर पढ़ा, बिट्टू पढ़ा, बामुडा पढ़ा, मोहन पढ़ा, ये सब आपने पढ़े होंगे नर और मादा बाघ के संबंध में। आपने मुन्ना बाघ के संदर्भ में पढ़ा था, समझ में आ रहा है कि नहीं, मुन्ना बाघ के संदर्भ में पढ़ा था। एक पन्ना टाइगर बताया था जो भोपाल में वन विहार में 15 किलो की वो लकड़ी की गेंद रखता है, मुन्ना टाइगर के बारे में मैंने पढ़ाया था। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि नोरादेही में एक राधा मादा बाघ लाई गई थी और एक नर बाघ लाया गया था किशन, ठीक है ना।
तो अभी हाल ही में देखा जाए तो राधा बाघिन ने दो नर शावकों को जन्म दिया है। मतलब ये किसी अभ्यारण्य या वन्य जीव के संरक्षण वाले लोगों के लिए बहुत खुशी की बात हो सकती है कि दो नर शावकों को जन्म दिया, मतलब कि दुनिया में दो टाइगर बढ़ गए हैं जो आगे बढ़कर इन प्रजातियों को बचाने में काम आएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको राधा बाघ की तस्वीर बताता हूं, राधा मादा बाघ की, ठीक है ना, और उसके दोनों बच्चे। टेलीग्राम में क्वेश्चन नहीं डाला संजय मंडलो, आज डल जाएंगे भाई, ठीक है ना, मैंने लाइक कर दिया संजय सोलंकी, धन्यवाद। कमेंट्स आ रहे हैं कौशल गुर्जर, कमेंट्स आ रहे हैं, बिल्कुल कमेंट्स आ रहे हैं आपके। पुनर्वासित का मतलब होता है ससुराल से पुनः मायके जाना, बहुत बढ़िया। अजय सोनी क्या तगड़ा अनुभव है, अजय तुम्हें गजब का अनुभव है भाई, ब्याह होगा क्या तुम्हारा, ब्याह हो गया ऐसा लग रहा है ना। कृष्णा सिंह गुर्जर, अच्छा पढ़ाते हो, पहली बार आया हूं, अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा गुर्जर, बने रहिए, आपको बहुत उम्दा पढ़ाएंगे हम, ठीक है ना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अरे ये तो स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी भाई साहब, सीधी सी बात है, स्टेट गवर्नमेंट इसका जिम्मेदार होगा पूरी तरीके से, सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के तो कारण में ये उलझ जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पर आइए, ये है मेरे दोस्त राधा मादा बाघ अर्थात राधा बाघिन, और उसके दो छोटे छोटे से बच्चे, वो अपनी माताजी को निहारते हुए वो कह रहे हैं कि मम्मी 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 दिवाली आगे फटाके दिलवा दोगे क्या। ये दो छोटे छोटे नर शावक हैं और ये है राधा बाघिन, क्या नाम है इसका, राधा बाघिन है, ये राधा बाघिन है जो अपने बच्चों को साथ में लेकर खड़ी हुई, इसकी शानदार सी तस्वीर। और ये एक खुशी का विषय है कि दो शावकों की संख्या से बाघों की संख्या बढ़ गई है, ठीक है ना, ओके। सबके कमेंट्स आ रहे हैं भाई साहब, सबके कमेंट्स आ रहे हैं सर, विविध पढ़ाने की कृपा करें जी, कपिल जाट जी, ओके। सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते ऐसा बोल रहे हो क्या, अच्छा जिस दिन आप नहीं पढ़ाते उस दिन पढ़ाई का सारा टाइम टेबल बिगड़ जाता है, ठीक है भाई भूपेंद्र जी धन्यवाद। चलो आगे बढ़े भाई साहब, रेडी, तो देखिएगा देखिएगा अगला अभ्यारण आता है आपका राला मंडल अभ्यारण, उससे पहले मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैंने जो कुछ पढ़ाया है उसमें से आपको कितना याद है। मैं तुरंत तुरंत एक एक दो दो दस दस सेकंड में आपको पूरी स्लाइड पढ़कर सुनाता हूं, ध्यान सुनिएगा। नौरादेही अभ्यारण जिला सागर होगा, नौरादेही अभ्यारण 1975 में बना था, नौरादेही अभ्यारण का क्षेत्रफल 1197 वर्ग किलोमीटर है, नौरादेही अभ्यारण मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण है। नौरादेही अभ्यारण की बात करो तो यहां पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से बाघ लाकर सागर के नौरादेही में उन्हें छोड़ने की व्यवस्था की जा रही है, अर्थात परियोजना चल रही है। नौरादेही अभ्यारण जैव विविधता के कारण बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, सागर के अलावा दमोह नरसिंहपुर जिले में भी इसका क्षेत्र आता है, यह हमने इसमें पढ़ा था। अगला देखिएगा, हमने देखा कि नौरादेही अभ्यारण में डीजल के हो या पेट्रोल का वाहन हो अगर वो 5 साल से पुराना है तो प्रवेश नहीं है, वरना प्रवेश है। फिर हमने पढ़ा था नौरादेही में वन्य जीवों की भरमार है, मुख्य रूप से तेंदुआ यहां पर पाया जाता है, बाकी चीतल सांबर जंगली पक्षी भी यहां पर मिलते हैं। दूसरी चीज सुनिएगा कि हमने क्या पढ़ा था कि नौरादेही अभ्यारण में अफ्रीकी चीते को पुनर्वासित किया जा रहा है, और पुनर्वासित का अर्थ पूछा था आशादीप ने, फिर मैंने बताया भी था, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग सीमा जी। नौरादेही अभ्यारण में राधा नामक एक मादा बाघ लाई गई, किशन नामक एक नर बाघ लाया गया, और वर्तमान में देखा जाए तो दो शावकों को जन्म दे रखा है मादा राधा बाघ ने, और ये कहां पर मिलेगी, नौरादेही अभ्यारण में मिलेगी भाई साहब, याद रखिएगा। मैंने बात की थी मोहिनी बिट्टू चार्जर सीता और बामोडा, ये कहां की बात की थी मैंने, बांधवगढ़ की जब हम चर्चा कर रहे तब मैंने बात की थी, ठीक है ना। मैंने मुन्ना टाइगर की बात की थी कान्हा किसली में, मैंने पन्ना टाइगर की बात की थी कहां पर, वन विहार में, अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर राधा बाघिन की, कहां पर, नौरादेही अभ्यारण में। रेडी हो, अगला जाओ राला मंडल, ये इसलिए क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क सॉरी अभ्यारण, अब मैं पढ़ाता हूं मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण कहां पर मिलेगा, राला मंडल इंदौर। क्या ब्याह के शहर में आप सभी का स्वागत है, ब्याह राम आ जाओ जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं क्या, ठीक है ना, याद हो गया, बहुत बढ़िया, याद हो गई ना, रुक रुक के चलेंगे तो याद होगा, आज नहीं तो कल होगा। चलिएगा आप लोगों से भाई गुजारिश, भाई साहब 1091 लाइक है, जल्दी से 1091 लाइक है, इसे लगभग लगभग 1190 लाइक पर फेंक दो, जल्दी से 100 लाइक तुरंत मारो जल्दी से, क्यों वो लोग लाइक करें जिन्होंने लाइक नहीं किया है। अगर आप नए हो तो आप बिल्कुल बने रहिए, व्यवस्थित पढ़ाएंगे, सब महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाएंगे जहां से आपके प्रश्न के उत्तर नहीं गलत होंगे, रेडी बिल्कुल, है ना। चलिएगा भाई साहब,
ठीक है। भूपेंद्र पांडे, भूपेंद्र पांडे जी आप शायद छिंदवाड़ा से, आपने उसका आधा नाम आया है, ठीक है ना भूपेंद्र पांडे जी। सर मारो नाम नाम नहीं लेते हो, हाँ कायलेन लोक सी अयोकाई। अरे राहुल बडोले जी ऐसा नहीं करते राहुल भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर आते हैं, चलेगा भाई साहब, रेडी। क्लास का टाइम क्या है? 10:30 बजे, सॉरी 10 बजे, 10 बजे से क्लास का टाइम है, ठीक है। ये है भाई साहब राला मंडल अभ्यारण्य वन मंडल इंदौर, और ये लिखा हुआ है स्थापना वर्ष मुख्य द्वार 1989, यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है। आप इस दृश्य को देख रहे हो तो आप एक बार पुनः यहां पर ध्यान डालिएगा, शायद आपको और क्लियर हो जाए। स्थापना वर्ष मुख्य द्वार 1989, ये ठीक है ना। ये कहां का है ये मैं बता रहा हूं आप सभी को, इंदौर का राला मंडल है। कहां का है? इंदौर का राला मंडल क्षेत्र है, ठीक है ना भाई मेरे। आइएगा कभी घुमवाते हैं, कभी आओ भी आओगे सर में इंदौर में, ठीक है ना, चलिएगा। अब इससे जो प्रश्न बन सकते हैं वो देखिएगा, देखिए आइएगा क्या लिखा हुआ है। इंदौर, इंदौर की बात करते हैं तो जिला कौन सा होगा, इंदौर शहर कौन सा होगा, इंदौर ही है भैया हमारे जही की लेके लगा हुआ टेकरी पे के पास में चलेंगे ना अपन, बांस के पेड़ ही पेड़ हो रही है वहां, लोमड़ी संरक्षण केंद्र खोला है। हाँ हाँ चलो ठीक, तो इंदौर की बात कर रहे हैं तो जिला इंदौर में आता है आपका कौन सा, राला मंडल। अच्छा क्या खासियत है, 1989 में इसकी स्थापना की गई। मैं सब पूछूंगा रे भाई, ठोक ठोक के बजा बजा के प्रश्न पूछने वाला हूं तुमसे, पढ़ाया है ना, तो ये पानी पानी पीने की इस खबर नहीं रखी है पढ़ाते टाइम, तो मैं पानी भी नहीं पीने दूंगा, पानी नहीं मांगोगे, ऐसे प्रश्न पूछूंगा जहरीले एकदम, है ना, वही पूछूंगा जो पढ़ाया है, रेडी रहना आप सभी। 2.34 स्क्वायर किलोमीटर, आप एक बार नजर तो डालो, आप एक बार नजर तो डालो मेरे वन्य जीव अभ्यारण्य वाले और नेशनल पार्क के लेक्चर पर, जब आप अकेले में शांति से बैठे रहोगे, जो नए विद्यार्थी है ना उनको भी मैं बता देता हूं, जब आप अकेले में बैठे रहोगे आपको एमपीजीके की क्लास को ढूंढना होगा, जब आपको डिटेल में कोई चीज पढ़नी होगी तब आपको मेरे लेक्चर याद आएंगे, तब आप उस लेक्चर पर जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आपके जो भी साथी है या जो भी लोग है जो एमपी का नेशनल पार्क नहीं कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने स्थापना पढ़ी, भौगोलिक विभाजन पढ़ा, हमने नदियों के बारे में पढ़ा, हम नेशनल पार्क के बारे में पढ़ रहे हैं, जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है वो बहुत बारीकी से पढ़ी है, और ये परीक्षा के समय पर आपको सबसे ऊपर रखेगी, जितना मैंने पढ़ा दिया उसमें सबसे ऊपर रखेगी, टेंशन मत लेना आप, ठीक है ना। 2.34, अब गलती क्या हो जाती है ध्यान से सुनिएगा, किताबों में लिखा हुआ है, किताबों में क्या लिखा हुआ देखना, किताबों में लिखा हुआ है ये 2, 3, 4, अब क्या कहते हैं 234 वर्ग किलोमीटर, और वो क्या कर देता है यहां पर बिंदु ना देकर, एक होता है पॉइंट लगाना 2.34 क्लियर दिख रहा है, और एक होता है यहां पर कॉमा लगाना, क्या होता है कॉमा लगाना। अब इससे क्या लगता है कि 234 किलोमीटर है, नहीं है, कहीं कहीं तो 234 ही लिखा हुआ डायरेक्ट, 234 होता तो सबसे छोटा नहीं होता, क्या लिखा हुआ 2.34 स्क्वायर किलोमीटर, 2.34 वर्ग किलोमीटर है, या मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। दोनों चीज क्लियर कर देता हूं, सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही, कौन सा नौरादेही, कौन सा नौरादेही, सबसे छोटा अभ्यारण कौन सा, राला मंडल, कौन सा राला मंडल, कहां पर होगा मैं इधर दोस्त, इंदौर में होगा, यो राम, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। पढ़ाने का तरीका अलग, पूजा दांगी जी धन्यवाद पूजा जी, ओके। नेपाल नगर से विनोद मेहता जी, आशादीप सर मेरे को शक होता है जब कोई आपको आई लव यू बोलता है, ऐसा लगता है लड़के के भेष में लड़की बोल रही है, ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है ना सर। किसान पुत्र राहुल, सर मैं बाहर खड़ा हूं आ जाओ, अच्छा इधर पढ़ा लें दो यार। अरे 0.27 स्क्वायर किलोमीटर के साथ में अगर बात की जाए तो घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहां पर होगा, डिंडोरी, ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, और अभ्यारण की बात करो तो सबसे छोटा राला मंडल है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क आना किसली है, और सबसे बड़ा अभ्यारण नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण सागर है, बोलो पल्ले पड़ी है कि नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो देखो यहां पर देखेंगे इस अभ्यारण में बाघ, बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, भालू, लोमड़ी, चतुर चालाक लोमड़ी जैसे वन्य जीव पाए जाते हैं। वृक्षों में बात करो तो चंदन के पेड़, बबूल, सागौन और बांस के वृक्ष पाए जाते हैं।
अगर आपको इस लाइन में पूरा समझाना हो ना तो मैं पूरा इसे रफ कर दूं और आपसे कहूं कि साहब कोई महत्वपूर्ण चीज पर गोला लगाओ, तो मैं कहूंगा इंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य में सबसे खास गोला लगाइएगा लोमड़ी पर और सबसे खास गोला लगाइएगा बांस के वृक्ष पर। बोलो हो गया काम आसान? हाँ 100% गारंटी ले रहा हूं मैं। उसको जो भी पूछना दो लाइन में से दो से तीसरा नहीं पूछेगा वो, क्यों नहीं पूछेगा देखिएगा। राला मंडल अभ्यारण में वर्ष 2017 में देश का इस पूरे भारत का पहला लोमड़ी संरक्षण केंद्र खोला गया है। इस कारण से जीव जो राला मंडल में सबसे फेमस होगा वो होगा लोमड़ी, लोमड़ियों को बचाने के लिए। समझ में आ रहा है कि जा रहा, एक संरक्षण केंद्र राला मंडल में खोला गया जो मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि देश का पहला है। बोलो भाई पल्ले पड़ रही है ना। अरे सर डरा मारा, कहा डरा रहा रमेश वास्कियल, कौन डरा रिया है, कौन डरा रहा है, कौन अरे पढ़ो रमेश देखो इधर। राला मंडल अभ्यारण्य में प्रदेश का दूसरा देश का नहीं प्रदेश का दूसरा तितली पार्क खोला गया है। तितली उड़ी, उड़कर चली, बस में चढ़ी, ड्राइवर ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे चल छोड़ बकवास, ऐसा कुछ हम पहले गाते थे, ठीक है ना, हो सकता है इससे भी अलग कुछ हो। मैं क्या कह रहा हूं, प्रदेश का दूसरा तितली पार्क है तो दिमाग में सवाल आता होगा लाजमी है, अरे मां साहब पहला बता दे रहे, पहला प्रदेश का दूसरा है तो पहला बता। थामवा रे थामवा, वो भी है, जब मैं पहला पढ़ाऊंगा तब मैं पूछूंगा ना कि दूसरा क्या था, अभी थोड़ी ना बता रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो सर आप भी चतुर हो। मैं बहुत चतुर हूं पर लोमड़ी नहीं हूं मैं। हाँ, ध्यान रखिएगा। जेलो नुपुर पराशर ने बताई दिया गोपालपुर का, ठीक है कोनो दिक्कत नहीं है। चलो चलो स्क्रीनशॉट लो भाई, मैं साइड में खड़ा हूं, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जहां जहां से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है ना, जहां जहां से जुड़ा है वहां वहां से तोड़ूंगा तुझे। मतलब कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, मतलब एमपी जीके में तो भाई साहब प्रश्न के उत्तर गलत नहीं होने देना है, मतलब कुल मिलाकर ये बात याद रखना है, ठीक है ना। ओके आगे बढ़ जाते हैं, देखिएगा क्या क्या प्रश्न है। राला मंडल इंदौर में है, राला मंडल 1990 में बनाया गया था, 2.34 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, जहां पर 234 लिखा रहा है उसे गलत मानना, उसने दशमलव लगाना भूल गया होगा। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण है, जब जैसे ही लिखा है सबसे छोटा अभ्यारण है तो पता करो सबसे बड़ा कौन सा है, नोरादेही। जब लिखा है कि सबसे छोटा अभ्यारण है तो पता करो सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, घुघवा राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण जीवाश्म उद्यान डिंडोरी। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा, काना किसली, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहां पर सबसे खास है लोमड़ी जीव और साथ में पाया जाता है बांस के वृक्ष। लोमड़ी के संबंध में पढ़ा है कि 2017 में पहला लोमड़ी संरक्षण केंद्र खोला गया, वो भी पूरा देश का पहला। वही प्रदेश का दूसरा तितली पार्क खोला गया कहां पर, इंदौर के राला मंडल में। अब पहले की चर्चा हम करेंगे, आगे बढ़ते हैं। यह लिखा हुआ है वर्ष 2017-18 में, वर्ष 2017-18 में बेंबू सेटम, ध्यान समझिएगा, बेंबू सेटम नामक बांस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट स्थापित किया गया। बांस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट मतलब कि आपको बता दूं 2017-18 में बांस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट अर्थात बांस जो आपने देखा होगा एक जंगल में पेड़, आप जिसे पेड़ तो नहीं कह सकते, बांस एक जड़ की तरह होता है जो बढ़ता जाता है, गठाने होती है। बांस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट अर्थात बांस जो है बांस के उत्पादन के लिए योजना चलाना, अर्थात बांस को बढ़ावा देने के लिए, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है बेंबू सेटम। समझ, बेंबू मतलब बांस ही होता है। बेंबू सेटम नामक एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसका नाम है बांस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट। क्या नाम है, बेंबू सेटम। यह कहां चलाया गया तो याद रखना, यह भी इंदौर में है। बोलो हाँ संध्या सोलंकी शेखावत बाबा की जय, जय हो जय हो जय हो संध्या जी, ठीक है ना। अरे थोड़ी करेंगे, इंदौर में कहा, रोहित जामरे जी इंदौर मुख्य शहर की बात करें तो इंदौर से आप थोड़ा सा खंडवा रोड की तरफ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। सोनू मीना लाइक थोड़ी ना करेंगे, ठीक है ना, ये लाइक थोड़ी ना करेंगे, ये लाइक तो वहां पर करेंगे जहां पर एकदम से बिल्कुल बकवास चल रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल जहां पर ज्यादा लोग होंगे लेकिन वहां पर कंटेंट कुछ अच्छा नहीं होगा, वहां पर ज्यादा जरूर जाके करेंगे, ठीक है ना। जय हो बाबा, लाओ प्रसाद, प्राची कर्मा के रे, ले जाओ बेटा प्रसाद, ठीक है ना। चलिएगा भाई साहब हिस्ट्री पढ़ाना, ओके
अभी एमपीजी के में तो साथ दे नहीं रहे हो अभी आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा आता है? रातापानी। कहां का प्रश्न है यहां पर? रायसेन। ध्यान सुनिएगा भाई, रातापानी की बात करते हैं तो ये देखिएगा प्रश्न, रातापानी जिला रायसेन में आता है। इसका वनमंडल क्षेत्र ओबेदुल्लागंज लगता है। ओबेदुल्लागंज इसकी एक तहसील है। याद रखिएगा, जब आप जाओगे तो देवास जिला पार करोगे तो नसुल्लागंज आएगा सीहोर जिले का। नसुल्लागंज से जैसे आप जाओगे सलकनपुर आएगा सीहोर जिले का। सलकनपुर से आप आगे बढ़ोगे तो अब्दुल्लागंज आएगा रायसेन जिले का। आगे बढ़ोगे तो मंडीदीप आएगा रायसेन जिले का। आगे बढ़ोगे तो भोपाल आ जाता है। फिर ये अब्दुल्लागंज से इधर की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ पर आती है भीमबेटका, और वो भीमबेटका वाला जो स्थान आता है अब्दुल्लागंज वन क्षेत्र में वो इसी के अंतर्गत आता है। मतलब मैं कह रहा हूं वर्ष 1976 में बनाया गया था रायसेन का वन्यजीव अभ्यारण। कौन सा, क्या नाम है? रातापानी। 907 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, काफी बड़ा है। खासियत सुनिएगा, यहां मध्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण है, एकमात्र, जिसे वर्ष 2010 में प्रोजेक्ट टाइगर में जोड़ा गया था। मैंने क्या कहा, मध्य प्रदेश में टोटल कितने प्रोजेक्ट टाइगर है? मैंने कहा था टोटल 7 है। फिर मैंने एक बार प्रश्न घुमाया था टेस्ट में, मैंने कहा था मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर है, तब मैंने कहा था 6 में है। क्यों? 6 तो नेशनल पार्क है, टोटल 7 कैसे? तो 7वां यह है जो है ना, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अर्थात 6 नेशनल पार्क जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर में आते हैं, और एक मात्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है रातापानी रायसेन, इसे भी प्रोजेक्ट टाइगर में रखा गया है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में रखा गया है उसका नाम है आपका रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य। 2010 में शामिल किया गया था। बोलो हाँ, ठीक है ना, ओके। चलिएगा दोस्त मेरे, इस अभ्यारण्य में बाघ, नीलगाय, लोमड़ी, हनुमान लंगूर। अब कुछ कह रहे होंगे साहब ये क्या है, आप देखना कभी कभी सर्च करके, आप हनुमान लंगूर भी आप गूगल पर डालोगे, अरे जिनका जिनका जो फेस होता है ना एकदम हनुमान की तरह होता है, फूला फूला सा मुंह होता है, ये नॉर्मल अपने जो बंदर बैठे रहता है ना वो नहीं, लंगूर की बात कर रहा हूं मैं। लंगूर जो खास करके दोनों पैरों पर ही चलता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखा होगा आपने, झूमता रहता है, लंबी सी पूंछें होती है, ज्यादा समझदार होता है वो। अजगर तथा चीतल प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। कहां की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं रातापानी जिला रायसेन की। अब यहां पर देखिएगा, भीमबेटका की गुफाएं इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत आती है। मैं लगाता हूं इस क्वेश्चन पर डबल स्टार। डबल स्टार का मतलब है कि 2 स्टार, मतलब कि एसआई लेवल का प्रश्न मानो, अच्छा प्रश्न मानो। क्या बोल रहा हूं मैं, भीमबेटका की गुफाएं किस नेशनल पार्क के अंदर? अरे दादा ये प्रश्न तो पूछ पूछ के परीक्षा वाले ही मर गए कि किस जिले में आता है भीमबेटका। अरे उसे जब भीमबेटका को दोबारा पूछना ही होगा तो वो थोड़ा सा बदल के नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि भीमबेटका कौन से जिले में है। अब वो ऐसा नहीं पूछकर पूछेगा कि भीमबेटका किस वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आती है, किस क्षेत्र में आती है, तो फिर वो कहेगा आपसे रातापानी के अंतर्गत। ठीक है ना, बोलो हाँ, रातापानी के अंतर्गत आती है। साक्षी पटेल, बहुत अच्छी बात है साक्षी, देखिएगा ठीक है ना, ऐसा है कि सर जी मैं पड़ोसी से मार मार कर लाइक करवाता हूं, पड़ोसी को मार मार। देखो भाई ऐसा है, जो करते हैं ना उन पे तो कतई हम सवाल नहीं उठाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो भूल जाते हैं। बोलने का मकसद है कि आप भूल जाते हैं। देखो मैंने क्या कहा था, मेरा टारगेट है 1.6 के लाइक का, मतलब कि 1600 लाइक का। आप खुद भी देख पा रहे हैं अभी लाइक कितने हैं, 1257। कुछ बोल रहे होंगे अरे वाह बार बार लाइक की कह रहा है, तो भाई बताओ तुमसे इसके अलावा कहे क्या? आप तो सब कुछ कह सकते हो, इसके अलावा हम क्या कहें? हम तो पढ़ा रहे हैं ना, बिल्कुल तुरंत चल रहा है, बिल्कुल पढ़ाता रहूंगा, आप टेंशन ना लो। ठीक है ना सर, 2 दिन से मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। सर 2 दिन से मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा, दिल से बोल रहा हूँ, एमपी ज्योग्राफी की वीडियो मुझे मिल नहीं रही। अरे हिंदवासी कुणाल जी, वो वीडियो डिलीट हो गई है, आपको मिल नहीं रही है ना, उसमें आपकी गलती नहीं है। ठीक है ना, आपकी गलती नहीं है उसमें आपकी गलती नहीं है, वो डिलीट हो गई है तो वो वहां पर मिलेगी नहीं। ऐसा मत समझिए कि आपको ही नहीं मिल रही है, वो नहीं मिल पा रही। ठीक है ना, आशीष वर्मा कह रहा है रोज 40-50 लाइक ठुकवाता हूँ। ऐसे नहीं ठुकवाना भाई, पढ़ने वाले बच्चों से कहना है कि पढ़ाई करे बस, पढ़ाई करने वाला बच्चा समझने वाला यूं कर देता है। दूसरा देखिएगा, रायसेन, सीहोर और भोपाल जिलों के क्षेत्र इस अभ्यारण्य के अंतर्गत आते हैं। मैंने तभी कहा था कि इसमें सिर्फ रायसेन ही नहीं बल्कि सीहोर और भोपाल का क्षेत्र भी आता है। अरे भदभदा जलप्रपात देखा होगा आपने, भदभदा भी देखो इसके क्षेत्र में, भोपाल के क्षेत्र में आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
कोलार नदी की बात करते हैं, कोलार डैम वाला सीहोर क्षेत्र जो आता है वो यहीं पर आता है, बाकी रायसेन में तो है ही है। आगे देखिएगा, इस अभ्यारण्य क्षेत्र में बड़ी आमखो, मतलब जगह का नाम बता रहा हूं, जगह का नाम बता रहा हूं, ये नदी आ गई कोलार नदी, नर्मदा की सहायक नदी, बेतवा नदी और गिन्नौरगढ़ का किला प्रमुख रूप से आकर्षण का केंद्र है। और मैं आपको बता दूं मेरे भाई साहब, ये गिन्नौरगढ़ का जो किला है, ये आदिवासियों में, याद रखिएगा, गोंड जनजाति का नाम सुना होगा आपने, मध्य प्रदेश की जो जनजाति है गोंड जनजाति, इसकी अगर मैं बात करूं तो गिन्नौरगढ़ का किला मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति गोंड जनजाति का सबसे प्रमुख किला है, उनके देवताओं का स्थान इन जंगलों में मिलता है। आप जाइएगा गिन्नौरगढ़ के किले के जंगलों में, अभी हाल ही में एक विवाद उत्पन्न हुआ था जिसमें जंगल में उन्हीं जनजाति के भाइयों को प्रवेश से रोका गया था, तब उन लोगों ने चक्का जाम करके रोड रोक दिया, बोले हमारे तो देवता निवास करते हैं इस वृक्षों में, इन वृक्षों में, यहां पर हमें प्रवेश से कैसा रोका जा सकता है, हमें कैसे टिकट। तो वो जो है ना, ये चीजें जो है बहुत पुरानी है, इन्हें ध्यान रखना होगा। ओके, शेखावत से शाखा रख दूं? अरे शाखा मत रखो भाई, नहीं मैं शेखावती हूं, ठीक है ना सर, मैं आपसे बहुत नफरत करता हूं, प्यार वाला नफरत। अरे भूपेंद्र पांडे जे क्या हो रही भाई, ये कौन सा कमेंट्स आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। राता पानी में एक मछली घर बनाया जाना प्रस्तावित है, और यह प्रश्न आपको नहीं मिलने वाला, कतई भी, कतई नहीं मिलने वाला। कौन से अभ्यारण्य में मछली घर बनाया जाएगा? तितली पार्क हो गया, मगरमच्छ अभ्यारण पढ़ेंगे हम, सब कुछ पढ़ेंगे, मछली घर कहां पर बनेगा? तो याद रखिएगा, राता पानी में प्रस्तावित है, राता पानी में प्रस्तावित है मछली घर, प्रदेश का पहला मछली घर, ठीक है ना, ठीक है ना। आगे देखिएगा, यहां गोपालपुर वन विभाग क्षेत्र में, गोपालपुर, अरे गोपालपुर में कोई भी बच्चा सीहोर नसुल्लागंज गोपालपुर, वो छिपानेर वाला गोपालपुर नहीं, ये गोपालपुर जिला रायसेन में आता है, रायसेन जिले के अंदर एक जो बना हुआ अभ्यारण्य, उसमें वन विभाग की एक चौकी आती है, वो होती है गोपालपुर चौकी। वन विभाग क्षेत्र में मध्य प्रदेश का पहला तितली पार्क खोला गया, प्रदेश का पहला, हाँ सही पकड़े हैं। सेकंड बताओ मुझे कौन सा था, तो सेकंड कौन सा था, राला मंडल, और आ गया पहला कौन सा था, यहां पर राता पानी। इस पार्क में 54 प्रकार की प्रजातियां हैं तितलियों की, और इन तितलियों को रहने के लिए 137 प्रकार के पौधे लगाए गए हैं, जिनसे वो रस चुरा सके, जिन पर वो बैठ सके, जिन पर फूल खिल सके। 54 प्रकार की प्रजातियां तितलियों की प्रजातियों में आप देखोगे तो वो सभी जीव आ जाते हैं, जो दो चार पंखों वाले अलग, वो टिड्डे होते हैं ना, जो फुद्दी जिसे बोलते हैं आप, वो भी होती है, वो सब भी इसमें शामिल की जाती है। यहां पर एक प्रश्न लिखा है, मांडू में, ये बनाता हूं डबल स्टार निकालिएगा, शायद आपको नहीं पता, नहीं पता होगा, मांडू में बनने वाला तितली पार्क, ये मध्य प्रदेश का तीसरा तितली पार्क प्रस्तावित है, थर्ड। उस तितली पार्क को जमुना देवी तितली पार्क के नाम से जाना जाएगा, जमुना देवी धार जिले से जमुना देवी रही, भुआजी जी ने कहा जाता है, बड़ी नेता रही है, और कांग्रेस की नेता रही, और मध्य प्रदेश की पहली विपक्ष की नेता, महिला नेता, जमुना देवी जी, भुआजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, इनकी बात कर रहा हूं, इनके नाम से जाना जाए। करंट अफेयर से गोलू मंडली कह रहे सरदारपुर से, बिल्कुल सही। सर यहां से क्वेश्चन बनने के चांस होता है? अरे भाई आप आत्माराम शांति तो रखो, एक टॉपिक आएगा, ठीक है ना, वो टॉपिक आएगा मध्य प्रदेश का पर्यटन क्षेत्र, पूरे मांडू को घोल के पिला दूंगा मैं, आप टेंशन काहे ले रहे हो, ठीक है ना। और अंतराम जाधव जी कह रहे हैं, सर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चनिंग फ्रॉम हियर एंड कम्स फ्रॉम मांडू देन एक्सप्लेन। हाँ समझ गया भाई, हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ गया, आपकी इंग्लिश भी समझ गया था मैं, ठीक है ना। हाँ चलिएगा भाई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा भूपेंद्र पांडे, आपको मेरी व्यक्तिगत जीवन में ज्यादा इंटरेस्ट है या पास होने के लिए एमपीजी के पढ़ने में, तुमको किस बात में इंटरेस्ट है भूपेंद्र पांडे? कुछ तो कमेंट अच्छे करा करो, ठीक है ना। चलिएगा भाई,
प्रदीप साष्टिया जी ने पूछा, 3 दिन का राष्ट्रीय राजकीय शोक लगाया गया था, इसमें बंद रखा गया था पूरा। ये है भाई तितली पार्क, इसकी तस्वीर देखिए, ये है तितली पार्क, ठीक है ना। इसे मैं पढ़ा रहा हूं, ये बता रहा हूं मैं, मध्य प्रदेश का पहला बटरफ्लाई हाउस, ठीक है ना। फर्स्ट तितली पार्क, पहला तितली पार्क, ये मध्य प्रदेश का पहला तितली पार्क है, ठीक है ना। अच्छा, आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा, सर ये मध्य प्रदेश का है, तो मैं आपको एक बात और बता दूं, देश का पहला तितली पार्क महाराष्ट्र में, कहां पर? देश का पहला तितली पार्क महाराष्ट्र में खोला गया था। देश का पहला तितली पार्क कहां पर खोला गया था? महाराष्ट्र में खोला गया था। और मध्य प्रदेश का पहला तितली पार्क कहां पर खोला गया था? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाइए। चंबल अभ्यारण कहां पर होगा? किन दो जिलों में होगा? एक तो भिंड में होगा और एक मुरैना में होगा। भिंड और मुरैना में चंबल अभ्यारण की बात करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, आपसे लास्ट टाइम गुजारिश है, इसके बाद में डायरेक्ट फिर लेक्चर को खत्म करके ही मैं आपसे बात करूंगा। हो चुके हैं 1360 लाइक, जल्दी से आप वीडियो को लाइक को पहुंचाइए 1.6K तक, पढ़ना प्रारंभ रखते हैं। जिन लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली क्लास चलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, अब तो इंग्लिश की क्लास भी शुरू हो गई है, ठीक है ना। चलिए भाई चंबल अभ्यारण की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण की बात करते हैं। मैं इसे जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूं, शायद आपको क्लियर थोड़ा सा दिख जाए यहां पर, ठीक है ना। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल डॉल्फिन, देखो दोनों शब्द लिखे हैं, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल डॉल्फिन अभ्यारण, क्या है घड़ियाल और क्या है डॉल्फिन, दोनों के बाद में बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखिएगा इसमें सब आएगा, सब क्वेश्चन आएंगे निकलकर। क्या बात कर रहा हूं मैं कि चंबल अभ्यारण जो है भिंड और मुरैना में विस्तार, साथ में देखिएगा, यह राजस्थान के धौलपुर तथा उत्तर प्रदेश के इटावा, क्योंकि ये दोनों जगह वो है जहां से चंबल नदी बहती है, धौलपुर से भी चंबल नदी बहती है, साथ में इटावा में जाकर तो यमुना नदी में समाप्त हो जाती है। तो उत्तर प्रदेश के इटावा में और राजस्थान के धौलपुर में, मतलब कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे 3 राज्यों में चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण जो है वो विस्तृत है। यहां देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 78-79 में इसकी स्थापना की गई थी और 435 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह क्षेत्र है। बात कर रहा हूं मैं इसकी चंबल अभ्यारण की, ठीक है ना। आगे देखिएगा, चंबल नदी के कारण यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण है। अभी मैं आपको कहूंगा कि सोन घड़ियाल अभ्यारण, फिर मैं आपसे कहूंगा केन घड़ियाल अभ्यारण, फिर मैं आपसे कहूंगा चंबल घड़ियाल अभ्यारण। अब आपके गले में फंसेगी एक हड्डी और प्रश्न फंसेगा ये कि बता बेटा ये 3 नाम में से एक ही नाम बता दे जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण है। चंबल घड़ियाल, सोन घड़ियाल और केन घड़ियाल, और तीनों में घड़ियाल का संरक्षण होता है। फिर क्या करोगे, हैं पल्ले पड़ रही है ना, इस कारण से एक एक शब्द पर ध्यान दो। चंबल नदी का घड़ियाल अभ्यारण या मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण है, या मध्य प्रदेश के भिंड और मुरैना जिले के अलावा राजस्थान के धौलपुर में और उत्तर प्रदेश के इटावा में विस्तृत है। बोलो हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आगे देखिएगा, चंबल अभ्यारण में गंगा डॉल्फिन, ये फोटो में बताने वाला हूं डॉल्फिन के भी, गंगा डॉल्फिन और लाल कवच वाला कछुआ, कछुए होते हैं ना, कछुए बहुत अलग अलग होते हैं, लाल कवच वाला कछुआ होता है, काले कवच वाला कछुआ होता है, हरे कवच वाला कछुआ होता है, धब्बेदार कछुआ होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओलिव रिडले कछुआ होता है जो सबसे ज्यादा विरल है, बहुत मात्रा में समाप्त हो चुका है, लेकिन लॉकडाउन जो लगा है ना उसका एक सबसे बड़ा फायदा हिंदुस्तान में हुआ है कि ओडिशा के तट पर पाए जाने वाला ओलिव रिडले जो कछुआ है उसकी संख्या बढ़ गई है बहुत ज्यादा। उसको बचाने के लिए नवीन पटनायक ने, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने, 2018 में जो हॉकी विश्व कप हुआ था ओडिशा का, उस ओडिशा हॉकी विश्व कप में उसको बनाया था शुभंकर। तो मैं कह रहा हूं आपसे कि गंगा डॉल्फिन हुआ और लाल कवच वाला जो कछुआ हुआ, इसका संरक्षण चंबल अभ्यारण्य में किया जाता है। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य के अलावा उसकी बोर्ड पर लिखा हुआ था चंबल राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल डॉल्फिन अभ्यारण्य। देखिएगा ध्यान से, 2017 में कछुओं को चंबल नदी में भिंड के बटही घाट में संरक्षित किया जा रहा है। है तो चंबल अभ्यारण्य, नदी भी चंबल है पर वो भिंड में भी है, वो मुरैना में भी है, तो कछुओं को कहां रखा गया, बटही घाट। ये बटही घाट कहां पर है, तो याद रखिएगा भिंड के बटही घाट में नदी चंबल होगी। समझ में आ रहा है, यहां से निकालो महत्वपूर्ण प्रश्न, लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। अरे बहुत काम का है दादा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अरे कौन बोल रहा है कि चंबल के डाकुओं का संरक्षण भी किया जा रहा है, अरे डाकू से तो खुद का संरक्षण कर लो, वो तो घूम रहा है कंधे पे बंदूक रख के, ठीक है ना।
जाकेश खरत जी पीडीएफ नहीं मिल पाएगी, पीडीएफ के संदर्भ में माफी चाहेंगे आप, है ना? ओके सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य, ठीक है। चबूतरा हटाओ, ठीक है जी, चबूतरा हटा दिया, ये चबूतरा हटा दिया, इसे चबूतरा बोलते हैं बच्चे, चलो ठीक है, चबूतरे ही नाम रख दिया तो ठीक है भाई, है ना, बैठ मत जाना जो चबूतरे पे, आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। ये क्या बोल रही है, एक दूंगा उठा के, चुप चुप नीचे, अपने सामने आवाज नहीं करने का क्या, चुपचाप बैठा है, फोटो खींच लो जल्दी। क्या है ये? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण मुरैना, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण मुरैना, मुरैना की बात कर रहा हूं क्योंकि मुरैना से आप चंबल घड़ियाल अभ्यारण को अच्छे से याद रखोगे, उत्तर आपको अधिकतर लगाने को मिलेगा मुरैना, वरना आएगा भिंड और मुरैना, ठीक है ना, ठीक है। दस्यु आश्रय है चंबल की खाड़ियों में, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ये घड़ियाल है, देखो घड़ियाल में आपको अंतर लग रहा होगा, मगरमच्छ जो होता है ना, मगरमच्छ की ऐसी चोंच नहीं होती इतनी लंबी लंबी ऐसे चोंच, ये तो बच्चे हैं इनके बच्चे, ये बोलते हैं ना कि जीवन बहुत लंबी है, ज्यादा इनके मुंह ज्यादा लंबे हो गए, चुपचाप बैठे रहना है, ठीक है, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ज्यादा बकवास नहीं, आगे बढ़े क्या। ये सुंदर सा गंगा डॉल्फिन है भाई साहब, ये गंगा डॉल्फिन है, चंबल अभ्यारण की हम बात कर रहे हैं, तो गंगा डॉल्फिन, वाह सर वाह, इतनी प्यारी मछली, इतनी शानदार मछली, इसे आपने यहां पर कैसे लेके आ रहा है? मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई साहब गंगा डॉल्फिन जो है ना, वो गंगा डॉल्फिन जो है, वो गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय मछली है, राष्ट्रीय मछली है गंगा डॉल्फिन, हम मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैं यहां पर लिख दूं महाशीर, समझ में आ रहा है कि नहीं, महाशीर की जब बात नहीं कर रहा हूं मैं, महाशीर की बात नहीं कर रहा हूं, महाशीर हमारे मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है, राजकीय मछली हमारे स्टेट की है, वो सब पूरे देश की नहीं, ये पूरे देश की है। गंगा डॉल्फिन बहुत ज्यादा खतरे में है, गंगा डॉल्फिन की दो चार चीजें बताता हूं मैं, ठीक है ना। सुनील मंडलोई जी धन्यवाद धन्यवाद। देखिएगा गंगा डॉल्फिन की बात करता हूं, यहां से प्रश्न निकाल कर दो, देखो मेरा काम अगर होता ना किसी मां साहब का, तो कहता गंगा डॉल्फिन का संरक्षण आगे बढ़ो, मैं क्या कह रहा हूं सुनिएगा, गंगा डॉल्फिन की जब बात करेंगे तो गंगा डॉल्फिन मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि भारत की राजकीय राष्ट्रीय मछली है। दूसरी बात याद रखिएगा, गंगा डॉल्फिन विलुप्त प्रजातियों में से है, इसका रेड डाटा बुक में नाम है, इसे नहीं बचाया गया तो थोड़े समय में खत्म हो जाएगी ये, और ये सिर्फ भारत में ही पाई जाती है, इसी कारण से इसे गंगा डॉल्फिन कहा जाता। अच्छा डॉल्फिन की बात करें तो गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इस देश का पहला और एकमात्र रिसर्च सेंटर, सुनना ध्यान से, गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की बात करता हूं, गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की बात करता हूं तो देश का पहला और एकमात्र रिसर्च सेंटर है, वो भी पटना बिहार में है, कहां पर है, पटना बिहार में है। दूसरी बात आपसे ये भी पूछा जाएगा कि गंगा डॉल्फिन पूरे भारत में, पूरी गंगा नदी में सबसे ज्यादा कहां मिलती है, तो उत्तर होगा पटना में, बिहार में सबसे ज्यादा मिलती है। दूसरी चीज बात याद रखिएगा, गंगा डॉल्फिन की खासियत बताओ, तो गंगा डॉल्फिन सबसे शुद्ध पानी में, एकदम सरल पानी में, ऐसे पानी में जिसे देखा जा सके, समझ में आ रहा ना, 10 फीट गहराई में भी ऊपर से दिख जाए, इतने शुद्ध पानी में रहना पसंद करती है। इसकी दूसरी खासियत सुनिएगा, सबसे ज्यादा मिलती है पटना बिहार में, लेकिन आपको एक महत्वपूर्ण बात यह बता दूं, इस डॉल्फिन की खासियत यह है कि जब यह मादा डॉल्फिन बच्चों को जन्म देती है, अंडे देती है, तो ये सबसे ऊपर अलकनंदा में जाती है, मतलब कि अंडे देने के लिए उत्तराखंड के लिए जाती है, समझ में आ रहा ना, ऐसा नहीं है कि भाई इनका अस्पताल है सरकारी, इनका कोई कार्ड आर्ड बने येलो कार्ड, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये अलकनंदा ठंडे क्षेत्र में, जहां पर आप देखोगे तो अलकनंदा के नाम से, मतलब गंगा नदी जो है ना, पहले भागीरथी के नाम से निकली थी, और जो भागीरथी नदी आ रही है, भागीरथी नदी, इस भागीरथी नदी में जब अलकनंदा आकर मिली, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब जाकर अगर हम बात कर सकते हैं, तो वो होता है आपका देवप्रयाग स्थान ऋषिकेश, वहां से ये भागीरथी नदी गंगा नदी के नाम से बहने लगी है। तो ये गंगा डॉल्फिन के संदर्भ में याद रखिएगा, तो गंगा डॉल्फिन का संरक्षण हम भी करते हैं, ठीक है ना। ये राहुल बडोले, क्या प्रश्न पूछा राहुल, इधर होता ना तो बेटा तेरी बहुत धुनाई करता, बोले सर इसकी सब्जी भी बनती है क्या, अरे सब्जी तो दुनिया में हर चीज की बन जाती है, अब खाना खा के बैठा कर रहे, पानी पी राहुल है, ये ऐसे पूछते हैं, कांटे होते हैं क्या, दिनेश पूछ रहा कांटे होते हैं क्या, हाँ कांटे होते हैं ना, कांटे बनाएंगे, आना जरा बनाएंगे, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट पर आइएगा। गांधी सागर अभ्यारण्य नीमच और मंदसौर। गांधी सागर अभ्यारण्य कहां पर मिलेगा? जिला नीमच में मिलेगा, जिला मंदसौर में मिलेगा। गांधी सागर अभ्यारण्य को पढ़ते हैं, और छोटा सुनील आ चुका है, बहुत बढ़िया। चलो भाई गांधी सागर अभ्यारण्य को आगे पढ़ाता हूं, क्या देखिएगा। ओ बहुत बढ़िया, गांधी सागर अभ्यारण्य में दो जिलों का नाम लिखा हुआ है, नीमच और मंदसौर की बात करता हूं। तो गांधी सागर अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये उसका मुख्य द्वार बना हुआ है। जाओ जिस रोड के रास्ते पर, ओ घूमो फिरो, कौन रोक रिया है? चलो मेरे साथ जिसको घूमने चलना है। अपना तो एक ही डायलॉग है, खर्चा अपना अपना, दोस्ती पक्की। समझ में आ रहा है कि नहीं? दोस्ती पक्की और खर्चा अपना 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 है। चलो आगे बढ़ते हैं, निकालो महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या लिखा है दादा? प्रश्न ये लिखा हुआ है कि साहब जी बना था ये 1974 में, हमने कही कोई दिक्कत नहीं, बनो तो बनने दो। फिर हमने कही कि जे नीमच मंदसौर में, हमने कही जे भी स्वीकार है, हमें कहा दिक्कत है नीमच मंदसौर। देखना गांधी सागर और चंबल, चंबल का नाम लो तो चंबल का क्षेत्र याद रखना मुरैना भिंड, और गांधी सागर का हो तो याद रखिएगा ये जो जिला बना हुआ है नीमच, इस नीमच जिले की बात कर रहा हूं। तो यहां से निकलती ये हुआ मंदसौर आपका, तो यहां से निकलती है नदी चंबल, तो ये भी चंबल नदी पर है। याद रखना गांधी सागर अभ्यारण में यहां पर भी घड़ियालों का संरक्षण अगर हो कोई भी चीज को देखकर, तो याद रखिएगा ये भी चंबल नदी के किनारे पर है। कहां पर है? चंबल के किनारे पर। आगे देखिएगा 368.629 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। यहां से प्रश्न बनता है, क्या बनता है देखिएगा। चंबल नदी गांधी सागर अभ्यारण को दो भागों में बांटती है, तो क्या अगली बार प्रश्न ये नहीं पूछ सकता है कि चंबल नदी कौन से, मतलब कि देखा जाए कौन से अभ्यारण को दो भागों में बांटती है? बिल्कुल बताना, गांधी सागर अभ्यारण को बांटती है। आपका कहता भिंड मुरैना को भी बांटती होगी, पागल मत बना। अरे दादा वो क्या है, मैं ऐसा कह रहा था कि ये जो भिंड मुरैना है ना, वो भिंड मुरैना के इधर बह बहकर जाती है, श्योपुर से निकलकर ये भिंड मुरैना से ऐसे बहकर जाती है, तो इसको दो भागों में नहीं काटेगी। क्यों? क्योंकि इधर बहती है तो इधर राजस्थान भी टच हो जाता है, इधर उत्तर प्रदेश भी टच हो जाता है, और इधर मध्य प्रदेश में बह जाता है, लेकिन इसको बात करो तो दो भागों में काटती है। आगे देखो गांधी सागर अभ्यारण में चीतल, तेंदुआ, नीलगाय, गिद्ध और जलीय पक्षियों की भरमार है, और उन सभी का संरक्षण किया जाता है। हालांकि सभी जगह पर ये जीव प्रायः थोड़े थोड़े मात्रा में पाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट वॉज अ लॉट ऑफ फन सर, इफ यू वेयर टीचिंग वी वुड हैव स्टडीज अस वेरी एप्ली। बहुत बढ़िया अंतराम जी जादव, बहुत बढ़िया। आप आओगे क्या? आप आओगे क्या? ठीक है, आप आओगे अगर, ठीक है ना। राहुल सस्टिया कह रहा हूं मैं, फिल्म किंग। ओके चलिएगा भाई, फर्स्ट टाइम आई एम वॉचिंग यूर क्लासेस, इट्स रेसिंग इंटरेस्ट। बहुत बढ़िया धीरेन जी, धीरेन द अन्ना, धीरेन जी स्वागत है सर, है ना। पढ़ाओ ना, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बल्कि खतरनाक तरीके से पढ़ाते हो, बहुत बढ़िया भाई साहब, पढ़ाने की कोशिश करेंगे। कन्नूदा जी ठीक है, नेक्स्ट पर आइएगा। मैं आपसे बोल रहा हूं, यहां से जो प्रश्न आप निकाल सकते हो वो क्या है, ध्यान सुनेगा। गांधी सागर कहां पर है? तो गांधी सागर, अच्छा एक प्रश्न ये भी, गांधी सागर कहां पर है? गांधी सागर मैं आपको बता देता हूं, यहां से प्रश्न सुनिएगा। गांधी सागर की बात करूं तो गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर बनाया गया। गांधी सागर बांध जो है मंदसौर जिले में आता है, कहां पर आता है? मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में आता है। अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो सबसे पहली नदी घाटी परियोजना, सबसे पहली रे दादा, पहली 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 वो होगी चंबल। सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, बड़ी तो दादा सबसे बड़ी नदी जो होगी वही होगी नर्मदा। सबसे ज्यादा डैम, सबसे ज्यादा परियोजना किस नदी पर? तो चंबल पर होगी। लेकिन भाई साहब सबसे पहली परियोजना कौन सी होगी? तो वर्ष होगा 1960 और नाम होगा उसका गांधी सागर, नदी होगी चंबल, जिला होगा मंदसौर। समझ में आ रही है कि नहीं? और संभाग होगा उज्जैन। है पल्ले पड़ रही है? ओके लो इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। राइट है ना, चंबल फर्स्ट है, नर्मदा बड़ी है। चलिएगा भाई अब जल्दी से, प्लीज जल्दी से वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, आप आपके द्वारा जितना भी वीडियो लाइक किया जाएगा शेयर। अच्छा ये वीडियो ऐसा नहीं है कि अभी जो चल रहा है वीडियो समाप्त होगा भाई मेरे, कभी भी आपको लगता है, कभी भी आपसे कोई पूछे कि भाई साहब मुझे एमपीजी के पढ़ना है, आप उसे ऐसे वीडियो की किसी वीडियो की लिंक उठाकर दे दीजिए, किसी भी वीडियो की। हमारा तो फुल्ली कॉन्फिडेंस है, हर वीडियो में हमने जी जान लगाई है। कोई भी लिंक उठाकर हमारे वीडियो की दे दीजिए आप एमपीजी के में, और उसे कहिए ये ले पढ़ के देख ले, समझ में आए तो दूसरा पढ़ना, रहने देना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।
ओके, वाकई में फिर मौका नहीं मिलेगा पूजा, सच बात कहिए, फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर काय करोगे? अरे माँ साहब सेखा बात एक बार और पढ़ा दे, फिर मैं कहूंगा नहीं पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है भाई, लाइक कीजिए, मैं लाइक बताता हूं आपको, 1488 लाइक है और मेरा टारगेट जो है पूरा होने पे है, जल्दी से 1.6 के कीजिए, 1600 लाइक कीजिए और जल्दी जल्दी करिए भाई साहब, रेडी हैं आप सभी? राम राम भाई, नोट्स बनाते चलो, नेक्स्ट पर जाओ, नेक्स्ट पर जाओ। देखो भाई, सरदारपुर अभ्यारण कौन सा है? सरदारपुर अभ्यारण कहां पर है? सरदारपुर अभ्यारण कहां पर आता है? जिला धार, ऐसे लिखते हैं लोग, आर पार जिला धार, आर पार जिला धार, बहुत बढ़िया, कोनो दिक्कत नहीं। आगे देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, कहां पर आता है भाई साहब? सरदारपुर, सरदारपुर भाई साहब, सरदारपुर, सरदार कौन हो सकता है? ऐसा सोचो, सरदारपुर का मतलब होता है गांव, सरदारों का गांव, सरदारों का गांव मतलब सिख वाला नहीं, सरदार मतलब मुखिया का गांव। कौन होगा भाई? सरदार वही हो सकता है जिसके दिमाग और जीवन में धार हो, बड़ी तेजी होनी चाहिए, ऐसा याद रखना। सरदार कौन होगा? बोले जिसकी बुद्धि में धार हो, जिसकी जुबान में धार हो, जिसकी ताकत में धार हो, समझ में आ रहा? तो बस यही से याद रखिएगा, सरदारपुर अभ्यारण कहां है? तो वो जिला धार में आता है। अच्छा, 1983 में बनाया गया, हाँ साहब हमने मान लिया 1983 में, आगे बढ़ो, 348 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, हाँ साहब मान लिया। 2005 में थांबा, इतनी जल्दी नहीं करूंगा दादा, हूं पढ़ा के जाऊंगा यहां से, है कि नहीं? साथ साथ नोट्स बना रहे, बहुत अच्छा। अपनो धार छे की अरु का राकेश अपनो छे है नी, ओके। 2005 में सरदारपुर अभ्यारण में दूधराज, सुल्ताना बुलबुल जिसे कहते हैं, खड़ तीतर को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। 2015 से अगर बात 2005 से बात की जाए तो सरदारपुर अभ्यारण में, सरदारपुर कहां फिर से सुनना, कभी भी सरदारपुर याद आएगा, अरे सरदार कुण हो सके रे भैया, ओ सरदार उज हो सके दादा, जिका दिमाग में धार हो, जिके जीवाण में धार हो, जिका थप्पड़ में भी धार हो, है कि नहीं है? सरदारपुर धार, दूधराज जिसे कह सकता हूं मैं, साहे बुलबुल, पैराडाइज फ्लाई कैचर, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी, 1 नवंबर 1981 मध्य प्रदेश की 25वीं स्थापना दिवस सिल्वर जुबली पर घोषित किया गया। सुल्ताना बुलबुल की बात करते हैं, खड़ तीतर की बात करते हैं, तो इन्हें संरक्षण दिया जा रहा है और सरदारपुर अभ्यारण में मुख्यतः खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। कौन सा पक्षी? खरमोर। आप सोच रहे होंगे साहब एक बात बोलूं क्या? बोले हाँ, एक खरगोश और मोर को मिलाकर खरमोर तो नहीं बनाया है? अरे नहीं दादा, वो पक्षी छे रे, उज एक पक्षी छे, उज पक्षी आज का नाम खरगोश, समझ, खरगोश नहीं खरमोर, आज कही खरमोर, खर और खरगोश और मोर को मिला के नहीं बना। आगे बढ़ा, स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं बताता हूं, खरमोर की फोटो बताता हूं, ठीक है ना? चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ, स्क्रीनशॉट लिया, कुशल गुर्जर किसी को तुम अपनी कमी महसूस कराने आए हो क्या? पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा। योज जाए की, अरे एक तो मूछ कटी गज, अरे आले देख लो दादा, आले देख लो, ठीक है ना? खरगोर पक्षी का, अब मैं आपको बताता हूं एक बहुत अच्छी बात कि खरगोर पक्षी को देखने के लिए वन विभाग की टीम पहुंची इसी सरदारपुर धार में, तो पत्रकार लोगों ने ना जाने कौन से दूसरे काले कौवे की फोटो खींच ली और पेपर में छाप दिया कि खरमोर पक्षी तो बहुतायात में पाए जा रहे हैं। गांव के लोगों ने जब खबर पड़ी तो गांव के लोगों ने वन विभाग की टीम को पीटा, बोलते हैं कौवे और ना जाने कोई कौवा नहीं होगा, कुछ भी पक्षी, बोले खरमोर है ही नहीं, हम तो दिन रात यहीं से रहे मां दादा, खरमोर नहीं है भाई, खरमोर कहां छे तो अरु कहीं खींच लेगा फोटो, ऐसा करते हैं लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेलाना अभ्यारण, सेलाना कहां पर होगा? रतलाम में। कहां पर होगा सेलाना वन्य जीव अभ्यारण? रतलाम में होगा। ठीक है, देखिएगा, सेलाना वन्य जीव अभ्यारण कहां पर है? तो सेलाना वन्य जीव अभ्यारण की बात करते तो रतलाम में होता है। स्थापना 1983 में की गई, इसका वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल ज्यादा बड़ा नहीं है, किताबों में तो बहुत सौ किलोमीटर सैकड़ों में दिया हुआ है। इस अभ्यारण में भी खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। इस अभ्यारण में काठियावाड़ कहां पर है? तो यह गीर वन क्षेत्र आता है, राज्य गुजरात आता है, के सूखे पर्णपाती जंगलों में। सूखे पर्णपाती मतलब कि अरे ऐसे वृक्ष जो गर्मी के दिनों में अपने पत्ते झड़ा देते हैं, गिर जाते हैं, जैसे आप अपने क्षेत्र में देखोगे ना तो ऐसे ही वृक्ष होते हैं, गर्मी आई और अपने पत्ते, उसके पत्ते झड़ जाते हैं, इकोरजियन के एक भाग के रूप में जाना जाता है। साथ में आपको एक प्रसिद्ध चीज बताता हूं, विशेष तथ्य, भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली
ने शेलाना अभ्यारण्य पाई जाने वाली पक्षियों की 90 प्रजातियों पर आधारित किताब में अपनी लेखनी प्रस्तुत की है। तो प्रश्न सीधा सीधा हमेशा आता है कि कौन से वन्य जीव अभ्यारण की 90 प्रजातियों पर डॉक्टर सलीम अली साहब ने अपनी किताब में लिखा है। तो डॉक्टर सलीम अली ने जो 90 प्रकार की पक्षियों की प्रजाति पर लिखा है वो होगा आपका सेलाना अभ्यारण और ये होगा जिला रतलाम में। बोलो पल्ले पड़ रही है क्या? पल्ले पड़ रही हो तो आगे बढ़ते हैं। और भाई साहब प्लीज प्लीज जल्दी से सुनिएगा, आपके लाइक हो चुके हैं 1530। कितने हो चुके हैं मेरे दोस्त? 1530। पहुंचिए जल्दी से 1.6 पर, 1600 लाइक कर दीजिए जल्दी से और फिर पढ़ने में मजा आता है क्लास को, ठीक है ना। ओरे पारे जिला धार, पता नहीं संजय मंडलोई क्या लिखा, आप तो ये आप ही जानो। अच्छा आदिवासी सोंगे, हमारा संतोष समझ जाएगा, ठीक है ना। यो काई आज मैं बताता हूं, यो आए तीतर, यो आए तीतर। अब कोई कह रहा होगा मखा तीतर नहीं पल्ले पड़तो नाना, तो हम कह रहा हूं कि तीतर नहीं पड़तो तो लावरी तो पल्ले पड़े, और लावरी पल्ले नहीं पड़तो तो क्या, तो बटेर तो समझ में आए। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही जाए लावरी तीतर बटेर टुक 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 चलती है और तुम जाते हो फुर से उड़ जाती है, थोड़ी देर उड़ के वापस बैठ जाती है। और ये कौन आए? तो भाई साहब ये है, नाम लिखा हुआ है सलीम अली, पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली। 1896 में इनका जन्म हुआ था और 1987 में इनकी मृत्यु, और इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया अर्थात भारत का पक्षी मैन अर्थात बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। ये जो तस्वीर बनाई गई है बहुत अच्छी तस्वीर है और ये दिखाती है कि उनका पक्षियों के प्रति कितना लगाव था, कितना प्रेम था। देखिएगा भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिनेश दिनेश कह रहा तीतर अलग होती है, अलग अलग वो होती है, वो बड़ी वाली में से आती है, वो भागती है ब्रर करके खाइए। बेटा अनुभव बता रहा है, ठीक है ना, बहुत अनुभव बता रहा है, मुर्गा का बच्चा लग रहा है। सुनील तुम तो अनुभवहीन आदमी हो यार, वे मुर्गा का बच्चा नहीं लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, आज जाओ घाटी गांव अभ्यारण कहां पर है? ग्वालियर में। घाटी गांव अभ्यारण कहां पर है? ग्वालियर में। ये यहां से प्रश्न पूछा सीधा सीधा, घाटी गांव कहां पर है? ग्वालियर में। देखिएगा यहां से जो प्रश्न आने वाले हैं वो देखिएगा, ये प्रश्न महत्वपूर्ण बताता हूं, ध्यान सुनिएगा। ग्वालियर में है घाटी गांव अभ्यारण, 1981 में इसकी स्थापना की गई, 511 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। आपकी जानकारी के लिए जानबूझकर मैं लिखा है 510.64, और आप याद रखिएगा किसी का भी दशमलव के बाद में 52 भी होता है, 3 भी होता है, तो वो अगले में कन्वर्ट हो जाता है 511 में, तो यह है 511 वर्ग किलोमीटर। कभी भी आपको पॉइंट में याद रखने में दिक्कत हो तो ऐसा मत याद रखो, आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है ना। और ऐसे ही पूछा जाता है, इस अभ्यारण्य में शहाए बुलबुल अर्थात सोन चिड़िया को संरक्षण प्रदान किया जाता है। अब सोन चिड़िया की संख्या आपको मैं क्या बताऊं, आप सोचकर हैरान हो जाएंगे, पूरी दुनिया में सोन चिड़िया की संख्या जो है ना 150 बच्ची है, उसका संरक्षण यहां पर किया जा रहा है। दूसरी चीज सुनिएगा यहां पर क्या लिखा हुआ है, कैप्टिव इक्यूवेटर तकनीक। ये तकनीक क्या होती है? आपको शायद ही कोई मासा पढ़ाएगा कि सर इसमें क्या है, सोन चिड़िया को बचाने के लिए कैप्टिव इक्यूवेटर तकनीक चलाई जा रही है। यह तकनीक आने वाले 40 से 50 सालों के अंदर पुनः, 40 से 50 साल लगेंगे इससे, पुनः दुनिया भर में सोन चिड़िया की प्रजाति को वापस से हमारे सामने लेकर आएगी। अब पूछ रहे होंगे सर ये कैप्टिव इक्यूवेटर तकनीक क्या होती है? तो याद रखिएगा ये तकनीक ऐसी होती है कि पूरी मेहनत करके जंगलों में जा जाके सोन चिड़िया के अंडों को उठा लेना, और उन अंडों को इसलिए उठा लेना कि कई बार उन अंडों को सांप खा जाते हैं, कोई जीव खा जाते हैं, अंडे फूट जाते हैं, जिससे क्या होता है प्रजाति तो पहले ही कम है। और कैप्टिव इक्यूवेटर तकनीक में उन अंडों को एक ऐसे माहौल में रखना जहां से अंडों का विकास हो सके और एक भी अंडा जाया ना हो, और उससे जो बच्चा जन्म लेगा उससे उस प्रजाति को बचाया जाए और सोन चिड़िया के अंडों को संरक्षित किया जाए। तो मतलब कैप्टिव इक्यूवेटर तकनीक का अर्थ सीधा सा मेरी भाषा में समझिएगा,
एक ऐसा माहौल बनाना, एक ऐसे माहौल में अंडों को रखना जहां से अंडों का विकास हो सके और उससे बच्चे जो जन्म ले उसे सोन चिड़िया को बचाया जा सके। तो यह प्रश्न इतना डीपली है कि शायद आपको बड़ी से बड़ी यूपीएससी की एग्जाम में आएगा। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा ये रेड डाटा बुक में है, ये रेड डाटा बुक में इसका नाम है। रेड डाटा बुक का मतलब होता है ऐसे जीवों में इसका नाम है जो पृथ्वी पर से खत्म हो रही है। वो खत्म होते हुए कि अंडों को बचाने के लिए तो पूछा जाएगा कैप्टिव इक्यूबेटर तकनीक को समझाइए। पीएससी का मेंस भी हो सकता है, यूपीएससी का मेंस भी हो सकता है। दूसरा, कैप्टिव इक्यूबेटर तकनीक से कौन से रेड डाटा बुक में शामिल कौन से पक्षीय जीव को बचाया जा रहा है? तो क्या होगा? सुन चिड़िया। फिर हमारा दिमाग जाता है बड़े बड़े बाघ पे जाता, अजगर पे जाता, डायनासोर पे जाता। ऐसा नहीं है कुछ भी, ठीक है ना? ठीक है ना? ओके। और ये लास्ट लाइन लिखी हुई इसमें, यह चिंकारा, नीलगा और सांभर जैसे शाकाहारी जीव पाए जाते हैं। साथ में घाटी का अभ्यारण सिंधिया और तोमर राजवंश का शिकार क्षेत्र रहा है। शिवपुरी की बात करोगे माधवराय नेशनल पार्क तो सिंधियाओं का रहा है, लेकिन अगर यहां पर बात करोगे तो घाटी का अभ्यारण सिंधिया और तोमर राजवंश का शिकार क्षेत्र रहा है। बोलो पल्ले पड़ रही कि नहीं? पल्ले पड़ रही कि नहीं? पल्ले पड़ रही है ना? तो पल्ले पड़े स्क्रीन शॉट लो जल्दी से, जल्दी से स्क्रीन शॉट लो भैया, जल्दी से। चलो भाई साहब रेडी हो तो मैं आपको एक बात बता दूं, 1572 लाइक हो चुके हैं और अपना टारगेट है 1.6 के, तो जल्दी से मारो 28 बचे हो लाइक, ठोको जल्दी से लाइक। जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक करो और टारगेट पूरा करो अपना, जल्दी रेडी हो ना। मैथ्स का लेक्चर, मैथ्स का लेक्चर क्यों? मैथ्स का लेक्चर है ना शाम को? हाँ है बेटा, मैथ्स का लेक्चर है, क्यों नहीं है? ओके। क्लास कब से शुरू होती है प्रिया यादव जी? प्रिया जी क्लास शुरू होती है सुबह 10 बजे से और खत्म होने का कोई टाइम नहीं है। खत्म होने का ऐसा है कि 10 से 12 कोई क्लास नहीं रहती है, तो शायद मैं 10 से 11 भी पढ़ाता हूँ, 11:30 भी चलती है, 11:45 तक भी चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? ओके। सुनील जी मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, अरे तुम्हारा टाइम होगा किधर जाने का, जाओ किधर, फोन ऑन आ रहा होगा, है कि नहीं? ओके आगे बढ़े क्या? 1595 लाइक हो चुके हैं, जल्दी से नेक्स्ट पर, ठीक है ना? ओके। ये देखो भाई, साह ए बुलबुल, ये क्या है? साह ए बुलबुल है, साह ए बुलबुल है। अरे कोई दो बार लाइक कर रहा है, अरे दो बार लाइक कर रहा है, मतलब कि लाइक करके फिर वो वापस से लाइक करने की कोशिश कर रहा है तो वो कम हो रहा है, ठीक है ना? ये है साह ए बुलबुल, ये है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी। 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे राजकीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया था, सहाय बुलबुल, जिसे वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर, पैराडाइज फ्लाई कैचर, ठीक है ना? बहुत बढ़िया प्रिया यादव जी, धन्यवाद, क्लास अच्छी लगती है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें आप जल्दी से, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और बाकी के अभ्यारण मैं कल पढ़ाऊंगा आप सभी को। और स्पोर्ट्स की क्लास कल शाम, मतलब कल शाम को, कि मैं कह रहा हूं कि स्पोर्ट्स की क्लास जो होती है डेली 7:30 बजे लगती है, 7:30 से 8 बजे तक लगती है। कोई अगर विद्यार्थी चाहता है कि सर 7:30 से 8 के बीच में हम स्पोर्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो आ जाइए, लास्ट में चल रहा है। और साथ ही में याद रखिएगा मेरे दोस्त, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ खिलाड़ियों का परिचय, आज हीमा दास और ऐसे कई सारे खिलाड़ियों को मैं आपके बारे में, उनके बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि कहां से प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है? रेडी, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और मिलता हूं मैं कल आपको, ठीक है ना? नेक्स्ट लेक्चर में अभ्यारण के साथ में जो बचे हुए हैं जल्दी से पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा। आप सभी को धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।